हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ये है आपका पार्ट टू वीडियो क्लास 8 डीएवी के एसएसटी चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज का। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लास 8 डीएवी के लेटेस्ट वीडियोज के लिए, साइंस, एसएसडी, संस्कृत, इंग्लिश के चैप्टर्स के लिए, सैंपल पेपर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो हम अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, करते हैं शुरू हमारा पार्ट टू वीडियो। हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पार्ट वन वीडियो से। हमें शुरू करना है टॉपिक ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन को। देखिए, पॉपुलेशन इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब है चेंज। किसी भी जगह की पॉपुलेशन चेंजेबल होती है, कम ज्यादा हो सकती है। नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। जब हम किसी भी जगह पे पॉपुलेशन चेंज निकालते हैं परसेंटेज में, कि वहां की पॉपुलेशन कितनी घटी है, कितने परसेंट बढ़ी है, तो इस चीज को हम बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ग्रोथ रेट ऑफ जो पॉपुलेशन होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है अगर पॉपुलेशन कम हो जाए उस जगह की, और पॉजिटिव होता है अगर वहां की पॉपुलेशन बढ़ जाए। तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो डिपेंड करता है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन के ऊपर। बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, माइग्रेशन क्या होता है, देखते हैं। देखिए, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है अगर बर्थ रेट ज्यादा हो तो, डेथ रेट से। इन माइग्रेशन अगर ज्यादा हो आउट माइग्रेशन से, तो भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बढ़ जाता है। इन माइग्रेशन का मतलब होता है लोग उस एरिया में आके रहने लग जाएं। आउट माइग्रेशन का मतलब होता है वहां के लोग कहीं दूसरी जगह चले जाएं रहने के लिए। पढ़ते हैं, डू यू नो में बर्थ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पर्संस इन अ स्पेसिफिक टाइम, यानी 1000 लोगों के ऊपर कितने नए बच्चों ने जन्म लिया है। डेथ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्संस, 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हुई है, ये होता है वहां का डेथ रेट। इंडिया वर्ल्ड का हर 6th पर्सन एक इंडियन है, यानी हर 6 में से एक वर्ल्ड का लोग बंदा जो होता है वो इंडियन होता है। जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 1900 में लगभग 1.5 बिलियन थी और आज 2011 में लगभग 111 साल बाद 7 बिलियन तक पहुंच गई है। इसका मतलब ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और वर्ल्ड की पॉपुलेशन बहुत रैपिडली इंक्रीज कर रही है। इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पिछले सेंचुरी में बहुत ज़्यादा रैपिड रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी है। 1961 में हमारी पॉपुलेशन 400 मिलियन हुआ करती थी, वो लगभग 1 बिलियन तक पहुंच चुकी थी ईयर 2011 में, और इन 50 सालों के दौरान इंडिया ने 700 मिलियन लोग और ऐड कर लिए हैं, और ये काफ़ी अलार्मिंग ग्रोथ रेट है। क्योंकि अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारे देश में लोगों के लिए सुविधाएं, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे। ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि अगले 36 सालों में, आने वाले 36 ईयर में, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो और डबल हो जाएगी, यानी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2 बिलियन का मार्क क्रॉस कर जाएगी आने वाले 36 ईयर्स में। ये देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है इसने पॉपुलेशन ग्रोथ 1951 से 2011 तक, और लगातार बढ़ती ही जा रही है पॉपुलेशन। देखिए, ठीक है, कितने कितने लोग ऐड हुए, ठीक है, 1951 में कितने हुआ करते थे, 1961 में कितने हुआ करते थे, और 2011 में देखिए 1210 मिलियन पीपल, 1951 में थे 36 मिलियन पीपल। तो हमने अपनी पॉपुलेशन को 4 टाइम्स से भी ज़्यादा बढ़ा लिया है आन पिछले 50-60 सालों में। आगे आता है कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। देखिए, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज में पॉपुलेशन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स आते हैं। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये डीएवी के बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। देखिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाए या कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, तो आप लिखेंगे एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, रूरल अर्बन पॉपुलेशन, वर्किंग नॉन वर्किंग पॉपुलेशन के बारे में। देखिए, किसी भी देश में जो लोग रहते हैं उनको बांटा जा सकता है, किस हिसाब से, एज के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, लड़का है लड़की, लिटरेसी रेट के अकॉर्डिंग, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, रूरल अर्बन पॉपुलेशन शहर में रहते हैं या फिर गाँव में रहते हैं, वर्किंग है या फिर नॉन वर्किंग है। ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम किसी भी देश में रहने वाले लोगों को बांट सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। इन्हीं को कहा जाता है एट्रीब्यूट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये सारे जो पैरामीटर्स मैंने आपको ऊपर बताए, ये सारे जो पैरामीटर्स मैंने ऊपर आपको बताए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी देश में रहने वाले लोगों का ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल और सोशल स्टेटस हमें पता चल जाता है इन पैरामीटर्स की हेल्प से। कौन से पैरामीटर्स? सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट, एज स्ट्रक्चर, इनकी हेल्प से। तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स के वो हैं एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो और लिटरेसी रेट। सबसे पहले बात करते हैं एज स्ट्रक्चर की। एज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर का। देखिए मैंने आपको पहले बताया था डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हम पीछे आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एज स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है। एज स्ट्रक्चर से हमें ये पता चल जाता है कि उस देश में रहने वाले लोग 0 से 15 साल के बीच में कितने हैं, 15 से 59 ईयर्स के बीच में कितने लोग हैं वहाँ पे, और 59 से अबव कितने लोग उस देश में रहते हैं। इसको कहा जाता है एज स्ट्रक्चर। जो 14 ईयर्स से कम के होते हैं उनको यंग पॉपुलेशन कहा जाता है, 15 से 59 के बीच में एडल्ट पॉपुलेशन, 59 से ऊपर ओल्ड पॉपुलेशन कहे जाते हैं। अब इन एज ग्रुप्स में से जो पहले दो फर्स्ट और लास्ट ग्रुप है यानी 15 साल से कम के बच्चे और 59 ईयर से ऊपर के बुजुर्ग, इनको डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहा जाता है क्योंकि अक्सर ये काम नहीं करते। कर भी सकते हैं लेकिन अक्सर इस एज ग्रुप के बच्चे काम नहीं किया करते, बच्चे और बुजुर्ग काम नहीं किया करते। दूसरी तरफ 15 से 59 ईयर्स की जो पॉपुलेशन होती है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होती है क्योंकि ये बायोलॉजिकली मोस्ट प्रोडक्टिव होती है, इकोनॉमिकली एक्टिव होती है। इसका मतलब बच्चे पैदा कर सकती है इस रेंज के पर्संस, रिप्रोडक्शन करते हैं ये। इकोनॉमिकली एक्टिव का मतलब ये पैसा कमाते हैं अक्सर, कोई ना कोई बिजनेस या जॉब करते हैं, इसलिए इनको प्रोडक्टिव पॉपुलेशन कहा जाता है। सेक्स रेशो, नंबर ऑफ फीमेल्स और नंबर ऑफ मेल्स का जो रेशो होता है उसको कहा जाता है सेक्स रेशो। अक्सर सेक्स रेशो हम निकालते हैं नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स रहती हैं उस एरिया में, उसको कहा जाता है सेक्स रेशो। ये देखिए यहाँ पे इसने बताया यही बात, यूरोपियन कंट्रीज में फीमेल्स ज़्यादा होती हैं मेल्स के मुकाबले, इसलिए यूरोप का जो सेक्स रेशो है वो काफ़ी फेवरेबल है। सेक्स रेशो जो होता है वो लगातार राइज हो रहा है इंडिया में 1980s के बाद से, ठीक है, और रिवर्स साइंस नज़र आने लगी हैं। क्यों? क्योंकि 1980 से पहले गर्ल चाइल्ड को मार दिया जाता था, एबोर्ट कर दिया जाता था। 1980 के बाद से ये प्रैक्टिस क्योंकि कम हुई है इसलिए सेक्स रेशो अब फेवरेबल होने लगा है। 943 सेक्स रेशो हुआ करता 2011 में, ठीक है, जो कि 1901 में 972 से गिरा था। 1901 में जहाँ 972 फीमेल्स होती थी 1000 मेल्स पे, वहीं 943 में 2011 में 943 फीमेल्स होती थी। ये देखिए इसने दिखाया है अलग अलग कंट्रीज़ का सेक्स रेशो। चाइना में जहाँ 926 फीमेल्स हैं 1000 मेल्स पे, इंडिया में 943 हैं प्रेजेंटली, बदल भी सकती है आने वाले टाइम में। यूएस में 1025 है, तो ऐसी अलग अलग कंट्रीज़ की यहाँ दे रखी हैं। आगे देखिए इंडिया में जो सेक्स रेशो है वो डिक्लाइन हुआ है। क्यों डिक्लाइन हुआ है? इसके कई कारण हैं, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, स्टूडेंट्स इसको अच्छे से याद करें सारे पॉइंट्स को। इंडिया में प्रेफरेंस दी जाती है मेल चाइल्ड को, इंडिया में मेल को, लड़कों को पसंद किया जाता है। क्यों? सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस रीजंस की वजह से, ठीक है, इकोनॉमिकली, सोशली और रिलीजियस के अकॉर्डिंग लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है लड़कियों के मुकाबले इंडिया में। इन्फेंट मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी का मतलब होता है छोटी उम्र में बच्चों का मर जाना। इन्फेंट मोर्टेलिटी लड़कियों में ज़्यादा होती है लड़कों के मुकाबले, क्योंकि लड़कियों को अक्सर इंडियंस प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करते। लड़के को बचाने के लिए वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, शायद लड़की के लिए इतना ना करें। फीमेल चाइल्ड को इंडिया में नेग्लेक्ट किया जाता है, इसलिए इंडिया में फीमेल मोर्टेलिटी ज़्यादा है, लड़कियों में छोटी उम्र में मौत ज़्यादा होती है लड़कों के मुकाबले। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन इंडिया में किया जाता है। इंडिया में प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, जन्म से पहले पता लगाना कि होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इंडिया में इलीगल है लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे किया जाता है। और अगर होने वाला बच्चा लड़की हो तो फीमेल फिटिसाइड कर दिया जाता है, उसको गर्भ में ही मार दिया जाता है, बहुत सारी जगहों पर ऐसा काम किया जाता है। इंडिया के स्टेट्स में देखिए तो केरला में बहुत अच्छा 1084 का सेक्स रेशो मिलता है, यानी केरला में 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पे। हरियाणा में सबसे कम सेक्स रेशो है 8719 जो रिकॉर्ड किया गया था 2011 में, हरियाणा में 879 फीमेल्स थी 1000 मेल्स पे। ये देखिए इंडिया के सेक्स रेशो दिखा रखा है 1951 में, जहाँ 946 थी उसके बाद 941,
930, 934, 927 और 2011 में 943, थोड़ा बड़ा है सेक्स रेशो, लेकिन अभी भी काफ़ी अनफेवरेबल है इंडिया का सेक्स रेशो। देखिए आगे आता है लिटरेसी रेट, अगला एट्रीब्यूट आता है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट इन अ सर्टेन लैंग्वेज, जो लोग या बच्चे किसी भी एक लैंग्वेज में पढ़ और लिख सकते हैं उनको कहा जाता है लिटरेट, पढ़ा लिखा, और जो किसी एक लैंग्वेज में पढ़ और लिख नहीं सकते उनको कहा जाता है इलिटरेट यानी अनपढ़। लिटरेसी रेट जो होता है वो देश हर देश का अलग अलग होता है, रूरल और अर्बन एरियाज में अलग अलग होता है। मेल्स में अक्सर फीमेल पॉपुलेशन के मुकाबले ज़्यादा लिटरेसी रेट पाया जाता है, क्योंकि लोग मेल चाइल्ड को पढ़ाते हैं, फीमेल चाइल्ड को काम में लगा देते हैं। अर्बन एरियाज में लिटरेसी रेट ज़्यादा मिलता है रूरल एरियाज के मुकाबले। किसी भी देश का लिटरेसी रेट बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वहाँ की सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बताने का। अगर किसी देश में लिटरेसी रेट अच्छा है, इसका मतलब वहाँ के लोग खुद भी एजुकेटेड हैं और अपने बच्चों को भी एजुकेट करना चाहते हैं। किसी भी देश के लोग उसकी सबसे अच्छी संपत्ति होती है, उसकी सबसे अच्छी वेल्थ होते हैं, वो अपने देश के रिसोर्सेज का सबसे अच्छा इस्तेमाल करना चाहते जानते हैं। पॉपुलेशन किसी भी देश का सबसे इंपॉर्टेंट असेट होती है, लायबिलिटी नहीं होती। असेट का मतलब जिसका हम यूज करते हैं, जो हमारा हेल्प करता है। लायबिलिटी का मतलब होता है जो हमारी जिम्मेदारी होती है। तो किसी भी देश की पॉपुलेशन को अपने देश के ऊपर जिम्मेदारी बनने की बजाय अपने देश का सहारा बनना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी देश में पॉपुलेशन जो होती है वो असेट की तरह काम करती है, अगर वहाँ के लोग एजुकेटेड, स्किल्ड और ट्रेंड हों तो। किसी भी देश की सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस तभी अच्छी हो सकती है अगर वहाँ के लोग पढ़े लिखे हों, लिटरेट हों तो। लोग ह्यूमन कैपिटल बन जाते हैं अगर वो एजुकेटेड हों, हेल्थ वाइज अच्छे हों, स्किल्ड हों तो। इसीलिए किसी भी देश की सरकार को एजुकेशन में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में, स्किल डेवलपमेंट में प्रोवाइड करने में पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि उस देश के लोग पढ़े लिखे, स्किल्ड, ट्रेंड हो और अपने देश की तरक्की में भागीदार बने। इसीलिए ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा रिटर्न देती है। सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब आप इंडस्ट्रीज़ लगाने की बजाय, लोगों को फ्री में पैसा देने के बजाय, अपने देश में एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और स्किल डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करें तो। इसीलिए डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस में फोकस होना चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेंड बनाने के ऊपर, ना कि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के ऊपर। आगे आता है डू यू नो पॉपुलेशन पिरामिड्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है पॉपुलेशन को स्टडी करने का। किसी भी देश में वो मेल फीमेल पॉपुलेशन को दिखाते हैं किसी भी देश के, देखिए यहाँ पे दिखा रखा है मेल टू फीमेल पॉपुलेशन रेशो। एज ग्रुप को दिखा सकते हैं, अलग अलग एज ग्रुप को दिखा सकते हैं। जापान में जहाँ पे लो बर्थ रेट है इसलिए उसका पिरामिड काफ़ी नैरो है। इंडिया में पिरामिड काफ़ी ब्रॉड है, क्योंकि इंडिया में जो यंग एज ग्रुप है वहाँ पे ज़्यादा लोग पाए जाते हैं ओल्ड एज ग्रुप के मुकाबले। देखिए ये इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है और ये जापान का पॉपुलेशन पिरामिड है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर ह्यूमन रिसोर्सेज क्लास 8 DAVSST का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है और आपको एक लाइक से शायद ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।